अलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने दरखास्त दायर की कि ऊंची आवाज में अजान पर पाबंदी आयद की जाए। ये पहली बार नहीं जब भारत में अजान से मुतालिक आवाजें ना उठी हों। किसी न किसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम समेत आम हिंदू शहरियों की जानिब से अजान पर पाबंदी से मुतालिक कुछ न कुछ कहा जाता रहा है। इस बार अलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने ज़िलाई इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर रोज सुबह 5:30 बजे ऊंची आवाज में दी जाने वाली फजर की अजान से नींद में खलल आता है और सर में दर्द होता है, जिसके बायस इनका काम मुतासिर रहता है, लिहाजा फजर में ऊंची आवाज में अजान पर पाबंदी आयद की जाए। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि वो किसी भी मजहब जात या नस्ल के खिलाफ नहीं, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना जरूरी है। वाइस चांसलर की जानिब से सिर्फ माइक ही नहीं बल्कि रमजान में तेज आवाज में मुख्तलिफ ऐलानात से मुतालिक भी शिकायत दर्ज कराई गई। मस्जिद की इंतजामिया ने वाइस चांसलर की शिकायत के बाद लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी, जबकि माइक की सिमत भी वाइस चांसलर की रिहायशगाह की जानिब से मोड़कर दूसरी जानिब कर दी है। इसके बावजूद अजान की ऊंची आवाज को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अजान पर पाबंदी के खिलाफ शहर में मुजाहरे भी किए। दूसरी जानिब भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाइस चांसलर की इस शिकायत की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत में लोग एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, यहाँ मस्जिदों से अजाने और मंदिरों से भजन फिजा में गूंजते रहते हैं, इसलिए इन बातों से इंतहा पसंदी की हवा का प्रचार ना किया जाए तो बेहतर है। महबूब अली, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।